तो हेलो गाइस, वेलकम टू तरन्नुम डेली व्लॉग। और आप सब कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और बस आज कौन आ रहा है? आज आ रही मेरी भाभी, रात तक पहुँच जाएंगी। और हमने प्रोग्राम बनाया था अजमेर शरीफ जाने का, और मगर टिकट ही नहीं हो पा रही है। अगले महीने की 19 तारीख तक कोई टिकट नहीं है। और हम इतने ज़्यादा खुश थे, पता नहीं हमेशा ऐसे होता मेरे साथ, जहाँ मैं ज़्यादा खुश होती हूँ ना जाने के लिए, वहाँ कुछ ऐसा गड़बड़ हो जाता है ना कि मैं जा ही नहीं पाती हूँ। अब फिर मैं रह गई हूँ, मगर ऐसी कोई बात नहीं, वहाँ नहीं गई तो कहीं और जाएंगे, जाएंगे तो ज़रूर। और इस बार अनुषा की पूरी छुट्टियों का जो है ना, वो कहती है कहीं नहीं घुमा, तो पूरा उसे मज़ा दिलाऊंगी और इंजॉय करेंगे। भाभी आ रही है, भाभी को भी घुमाऊंगी और वो रात तक आ जाएंगी। फिर ये अनुषा क्या कर रही है? मेहंदी लगा रही है। ये मेरे पैरों पर मेहंदी लगा रही है। इसका मन करता ना, आप कभी कभी पैरों लेकर बैठ जाती। वैसे मुझे मेहंदी लगानी थी क्योंकि हमें जाना था, और आज का बिल्कुल पक्का था कि आज भाभी आ जाएंगी और हमें कल निकलना है। और टिकट का ये था, दो तीन दिन से ट्राई कर रहे थे, वो कह रहा था वेटिंग में देखते हैं। और फिर आज बिल्कुल मना हो गई है कि आज बिल्कुल टिकट नहीं होगी, 19 तारीख तक नहीं है, जो आने वाला महीना है उसकी 19 तारीख तक बिल्कुल भी कोई टिकट नहीं है। तो इतना दिल ख़राब भी हुआ सच में कि हाँ फिर कोई नहीं, यहीं कहीं घूम लेंगे और कहीं प्रोग्राम बाहर का भी बनाते हैं। और इफ्रा कह रही है मेरी वीडियो तो बनाई नहीं मेरे साथ, बनाओ पुप्पो। अस्सलाम वालेकुम। बस और कुछ नहीं कहना? मम्मी पापा के बारे में कुछ नहीं बोलोगी? आज मेरी मम्मी आ रही है तो हम कल घूमने जाएंगे। बस बन गई, बस ये खुश हो जाती है। और मैंने अभी जैसे अभी वीडियो में नहीं लिया था ना, तो इसलिए गई पप्पो मेरी वीडियो इशारे करे जा रही, पप्पो मुझे तो ले लो, मैं चला जाती हूँ। अभी देख के अनुषा ने मेरे मेहंदी लगा दी है, अभी एक पैर हुआ, अभी एक पैर बाकी है। थैंक यू अनुषा, कुछ कहना चाहोगे? ऊपर देखोगे, सलाम भी करना होता है, थोड़ा तेज़ कर लिया करो। और भैया भाभी बस आने वाले हैं और उनका इंतज़ार हो रहा है। ये इफ्रा अपने पापा का इंतज़ार कर रही है, इंतजार हो रहा है यहाँ पे, याद आ रही है ज़्यादा, तब से रह रही है तब से कुछ नहीं हो रहा। अब आने का टाइम पर ना सिर्फ रेलिंग पर लटकी हुई है, कब आएंगे कब आएंगे, पता नहीं आँखें कितनी काली होती जा रही है मेरी, पता नहीं क्या हो रहा है, तबीयत पता भी नहीं चल रहा, और चक्कर आते रहते, खड़ी होती हूँ तभी इतने ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं खड़े होने से, आँखें भी ऐसी हो गई, पता नहीं कितनी बीमार हूँ मैं। आ गए देखो? अभी नहीं आए, बस 5-10 मिनट में आ जाएंगे। और कपड़े धोए थे वही सूख रहे हैं। इंजो। और बेबो मामा मामी का इंतज़ार हो रहा है, कैसा लग रहा है? बढ़िया। कितना बढ़िया? बहुत बढ़िया। अच्छा बताना, ये बेबो ऐसी नहीं लगती जैसे कि उसका घर नहीं हो, किसी अजनबी के घर आई हुई हो, ऐसे बोलेगी ऐसे बात करेगी बस जैसे कि किसी अनजान जगह पर बैठी हो। और इससे अच्छी तो यही बात कर लेती है इफ्रा, है ना इफ्रा? चलो इतने रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि रोटी नहीं बनाई थी, वो ठंडी हो जाती, गरम गरम बनाती हूँ। इतने भैया भी तो ये आ गए हमारे मेहमान। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाभी। और ये मैंने डिनर में बनाए थे कोफ्ते भैया भाभी के लिए। तो यहाँ हो रहा है हमारा नाश्ता, और मैंने बनाई है आलू की सब्ज़ी, ये रात की सब्ज़ी है, क्या है मछली, हाँ मछली है, टेस्टी है। और ये भाभी, ये इफ्रा। हेलो गाइस, ये तो पता ही होगा आपको कि मैं नया व्लॉग बनाऊंगा, तो मैं पहुंच चुका हूं, अभी आएगा और व्लॉग बनाएगा, आ गया। ये हो रहा है हमारा नाश्ता। और किन्नू सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। और इफ्रा, बेबो सब है यहाँ पे। ये पप्पो ने खाना बना लिया है, ये रहा देखो, ये सब, ये रहा सलाद, उसमें बिरयानी, बराबर मिलेगी तुम्हें से। आराम से बैठ जाओ,
तो हम सब जा रहे हैं घूमने। हाँ गिरिया, तो खाना खाकर फिर मैं थोड़ी देर सो गई थी। अब सारा काम कर लिया है, उठकर बर्तन वर्तन अब धोए और चाय पी ली और अब जा रहे हैं हम घूमने। ये अनुषा, हेलो गाइस, अभी थोड़ा सा रेस्ट कर रहा हूँ, फिर चलेंगे हम इंडिया गेट। और ये मेरी भाभी है, मुझे तो दिखा दो, लोहिपुरा को देख लो। हेलो, मुंह नहीं लिखो गाइस। तो फिर चलते हैं, फिर वहीं पर जाकर आपसे मिलते हैं। बाय 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 बाय। कल हम रेडी हो गए हैं तो चलते हैं फिर। ये देखो चल रहे हैं फिर। तो बच्चा पार्टी रेडी हो सब? हाँ यस यस यस। आप बताइए मैं कैसी लग रही हूँ, बता दीजिए कैसी लग रही। हम दोनों में से कौन अच्छा लग रहा है आप पहले ये बताना हमें। और हम दोनों में से कौन अच्छा लग रहा है? मैं तो हार ही जाऊंगा इनके सामने। मैं भी हार ही जाऊंगी। चलो चलते हैं। चलो फिर अभी देखते हैं हमारी बड़ी पप्पा आएंगी या नहीं आएंगी, पता नहीं। और देखते हैं पहले होंगे। मैं नहीं हार रही हूं। हां आपको आपको बहुत सारे खिलाते हैं खुजली वाले। आप तो हर से की तरह आ गई। देखो ये गोला बना रहे हैं अंदर और अनुषा मैं खा रही हूं। फोटो खींच ली। कैसा लग रहा है? अच्छा। कैसा है बाबू, कैसा लग रहा है? ये है पहुंच गए हैं इंडिया गेट। देखा किन्नू कहाँ गिरी? किन्नू के कपड़े गंदे हो चुके हैं देखा। मेरे भी हो गए। कोई नहीं, चलो मैं पक्के तो देख ही नहीं गए। ये भैया भाभी मेरे साफ कपड़े देख ही नहीं गए ना। फिर ये मेरी पप्पो गाय खा रही है गोला और ये बेबो पापड़ मांग रही है। तेरी मेरी पप्पो, तेरी मेरी बहन। वो देखो वाला तार चाहिए मुझे भी। ये इंडिया गेट। बच्चे घूम रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है, मगर ना थकान हो जाती है। तो पहले मेरी तबीयत खराब है, चक्कर आ रहे थे और इतनी थकान लग रही ना, जैसे बहुत ज़्यादा थकान हो गई। तो बस इंडिया गेट पहुँच गए हैं, बच्चे घूम रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। ये रहे सब बेबो किन्नू। ये रहे किन्नू। हेलो अस्सलाम वालेकुम। कितनी बार सलाम करता है, जितने बार वीडियो में आएगा ना उतनी ही बार ये सलाम करता है। और बेबो, बेबो ने अपना तोड़ लिया है। ये बेबो का पर्स टूट चुका है। ये रहा यहाँ पर, बस यहाँ जा रही है सब। ये कह रहा है बहुत लूट रहा है यहाँ पर। तो क्या लूट गया भाई बताएं, क्या लूट गया? आधे कपड़े खराब हो गए, किस्मत ही खराब थी। देखो बेचारे किस्मत खराब थी, कपड़े खराब हो गए। चलो ओके बाय। अनुषा और भाभी और इफ्रा टॉयलेट गए थे और पता नहीं कहाँ चले गए, वो दिख ही नहीं रहा है। इतनी देर से यहीं पर खड़े हैं और किन्नू इंतजार कर रहा है। किन्नू इंतजार कर रहा है ना। इतनी देर से गए हुए। हाँ और भाई और हस्बैंड वहाँ पर बैठे हैं, चादर बिछा कर आराम से बैठ गए कि घूम लो आराम से। तो मैं हम तो साथ में नहीं आएंगे भाई, थक गए हैं, इसलिए बस हम ही घूम रहे हैं। तो थोड़ी देर बाद फिर घर चलेंगे। बहुत ज़्यादा हाँ, तो बहुत थकान हो गई थी मैं तो, बाग के बैठ गई हूँ अपना। तो ये हस्बैंड गाड़ी को देख रहे हैं, गाड़ी उठा के तो नहीं लेके चला कोई। पार्किंग फुल हो रही है ना। हाँ किन्नू कुछ कहना चाहोगे तुम? हेलो भाभी, ठीक है आ रहे, तुम जाओ। नहीं बेबू नहीं, नहीं बेबू नहीं, नहीं बेबू बाय। चलो इंडिया गेट कह रहा है मेरे को छोड़ के चले जाओ।
खा लो। वो को एक नई जॉब मिली है चौकीदार की। वो गेट पर खड़ी है, कोई गेट पर गाड़ी नहीं लगाएगा। है वो बोलो मुझे, है ना? आप भी लेके जाओ अपनी। अभी और अनुषा के पापा खाना लेने गए हैं वहाँ पर।